और मेरी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर। पता नहीं मुझसे कैसी गलती हो गई, सॉरी बार 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 आपको मैं आपका दिल तोड़ रही हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी भोले आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बस मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। साई नमो नमः, जय जय। सुबह का नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये गर्मा गर्म चाय, साथ में ब्रेड पीस और साथ में ये मिश्री का भोग जो कि सुबह रोज बाबा जी को लगता है। तो अब मैं ये सब नाश्ता करके, क्योंकि मेरे से सुबह सुबह परांठा नहीं खाया जाता, मैं ये नाश्ता करके और मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ। क्या कह रहा है, चीना की शादी कराऊं? चीना की शादी करा दूं? लड़का तू ढूंढेगा? किससे कराऊं चीना की शादी? अच्छा। है चीना की शादी किससे कराऊं? किससे भी करा दूं? अच्छा चल ठीक है, करा दूंगी चीना की शादी। साढ़े आठ बज गए हैं, मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। आज मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब मैं अपने लिए चाय बनने के लिए रखी है और मैंने कहा चलो आपको अपडेट दूँ कि मैं आ गई हूँ और चाय पी के फिर लगते हैं रात की रोटी का, क्या करना है क्या नहीं करना। अब हिम्मत भी नहीं है बिल्कुल रात की रोटी बनाने की, अब देखते हैं क्या करना है। मैंने बस आते ही अपने लिए चाय बनाई है। चाय पी के एक बात है, थकावट उतर जाती है और साथ में कमर में बहुत दर्द हो रहा है बैठे बैठे। और ये चूरन है, इसके साथ चूरन खाऊंगी। आप गाइज मुझे बताना, मैंने आपको नारायणा वाले डॉक्टर साहब का एड्रेस दिया था, किस किस ने अपने लिए चूरन मंगवाया या कौन गया है वहाँ पर, क्योंकि बहुत कमेंट्स आए थे हमें एड्रेस दे दो। तो आप मुझे बताना कि कौन गया है वहाँ पर दवाई लेने के लिए। आते ही मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही चले जाओ आके टाइम नहीं मिलता, तो फटाफट मैंने आते ही मशीन लगा दी, बस कपड़े धुल जाएंगे और एक काम खत्म हो जाएगा। आते ही मैंने एक चने की दाल भिगो दी है, इसको मैंने कोसे पानी में भिगोई है क्योंकि अब 8 बज चुके हैं, मुझे 9:30 बजे तक चावल बनाने हैं। चने की दाल वाले मैं चावल बनाऊंगी, उसके अंदर एक आलू भी डालूंगी। मैं आपको जरूर बताऊंगी, कई लोग मुझे कह चुके हैं आंटी आप चने की दाल वाले चावल की रेसिपी दो, तो मैं आपको जरूर रेसिपी दूंगी, बताऊंगी कि मैंने कैसे चावल बनाए हैं। और इसको कोसे पानी में इसलिए भिगोया, अगर मेरे पास 3-4 घंटे होते तो मैं इसको ताजे पानी में भिगो देती, दाल अच्छे से भीग जाती। अब मेरे पास 1.5 घंटा है तो मैंने इसको कोसे पानी में भिगोया ताकि अच्छे से ये भीग जाए और हल्की हल्की गल थोड़ी थोड़ी गल भी जाए। अगर मैं चावल बनाऊंगी, अगर ऐसे बनाती हूँ चावल में, तो चावल में दाल कच्ची रह जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे कच्ची कच्ची दाल। सावन का पहला सोमवार है तो ये घेवर लेके आए हैं, ये है कौन सा, रबड़ी घेवर, हाँ रबड़ी घेवर लेके आए हैं ये। तो मैंने कहा चलो साईं बाबा जी को भी भोग लगा देते हैं और साथ में शिव जी भोले को भी भोग लग जाएगा। सावन के महीने में ऐसा होता ही नहीं है कि किसी घर में घेवर ना आए, सिर्फ महीना ही आता है घेवर, तो कम से कम 4-5 बार तो महीने में 5-7 बार तो घेवर आ ही जाता है। आज हम पहली बार ही लेके आए हैं घेवर, तो अब मैं पहले बाबा जी को भोग लगाऊंगी फिर साथ में शिव जी भोले को भी लगेगा। लगा दिया भोग? लगता हाँ। कन्नू अपने लिए जूते लेके आया है, बहुत अच्छे जूते हैं। मैं तो हॉस्पिटल गई हुई थी, जब वापसी आई हूँ तो ये कलर के हैं, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर, जैसे आसमानी कलर होता है। और एडिडास के जूते हैं, बहुत अच्छे हैं, ये देखो एडिडास के हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने कन्नू को बोला, मैं कहा तो बड़े लाइट कलर के जूते लाया, क्या मम्मी बहुत अच्छे लगते हैं ये कलर भी। चलो कोई बात नहीं, बार बार धोने पड़ेंगे, मेरे बच्चों की भी अपनी पसंद है। पहले व्हाइट लेके आया था जारा के, अब ये लेके आया है ब्लू, बहुत लाइट कलर लेके आया है।
लक्षित शर्मा जी ने मुझे कमेंट किया था कि मम्मी के कमरे में एसी और कूलर नहीं है, आपको मैं बताऊं, मम्मी की टांगों में दर्द रहता है, उनके गोडों में दर्द रहता है, गोडों में गायब आ चुका है। बहुत बार उनको बोला कि हम कूलर लगवा लो और कूलर लगवाया भी था, उन्होंने कूलर हटवा दिया। वो कहते हैं मुझसे बिल्कुल भी हवा बर्दाश्त नहीं होती, ये तो मेरी मदर इन लॉ है, इन्होंने भी कोई कूलर एसी नहीं लगवा रखा। जो मेरी मम्मी है उन्होंने भी कोई कूलर एसी, जिस कमरे में वो सोते हैं उन्होंने भी नहीं लगवा रखा, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी टांगों में दर्द रहता है, उनसे बिल्कुल एसी और ये क्या नाम है कूलर बर्दाश्त नहीं होता। और आपको हैरानी की बात होगी कि पंखा भी वो स्लो करके सोते हैं गर्मी में, तो इसलिए हम लगवा ही नहीं सकते उनका, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाए क्या फायदा। जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तो बाहर से आई, इतनी गर्मी, आपको पता है बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बरसात आती है फिर अगले दिन धूप निकल आती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी थी। मैंने आके बस थकी हुई थी, मैंने आके चाय बनाई, साथ ही फटाफट मैंने दाल भिगो दी कि मैं चावल बनाऊंगी। जब रात को 10 बजे मैंने कहा चलो मैं फटाफट देखूं दाल भीग गई है, दाल वो चने की नहीं थी गाइस, वो अरहर की दाल थी, मुझसे गलती से अरहर की दाल भीग गई। मैंने उठा के फ्रिज में रख दी अरहर की दाल कि कल दोपहर को मैं अरहर की दाल बना दूंगी। तो चने की दाल वाले चावल मैंने कहा था मैं रेसिपी दूंगी, कोई बात नहीं गाइस मैं कल बना लूंगी चने की दाल वाले। अब हमने भी ऐसे ही गुजारा किया, मैं बस ऐसे ही थोड़ी सी सब्जी मेरे को पड़ी थी तो ये खा लेंगे, तो बाकी मैं तो अपने परांठा ही बना लिया मैंने और मैंने खा लिया। बाबा जी को भी परांठे का भोग लगा दिया, कोको पुची की भी रोटी बना ली। पता नहीं जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि चने की दाल और अरहर की दाल में फर्क ही नहीं समझ पाई, इतनी थकी हुई थी, इतना पेट में दर्द हो रहा था, मुझे समझ नहीं आई ये हो कैसे गया। गाइज आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि चने की दाल अरहर की दाल में बहुत फर्क है? बच्चे तो चलो नहीं समझते, हम तो बड़े हैं, पूरी जिंदगी होगी मुझे बनाते हुए, पता नहीं मुझसे कैसी गलती हो गई। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि लाइव आऊंगी, आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, आपके रूबरू होंगी, मगर ऐसा नहीं हो सकता। आज भी मैं हॉस्पिटल में थी तो बहुत जरूरी काम था, आप लोगों को चीना ने आपको अपडेट दी थी, और कल भी मैं 5 बजे लाइव नहीं आ सकती क्योंकि जो मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर है उसकी जो नंद है उसकी सास पूरी हो गई है, तो कल वहाँ क्रिया है तो मैंने क्रिया पे जाना है, 4 से 5 वहाँ क्रिया है। देखो लाइव तो बंदा फिर कभी भी आ जाता है, आगे पीछे कभी भी लाइव आ जाओ, और ये ऐसे मौके पर अगर ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता। कल मैं वहाँ जाऊँगी गाइज, तो मैं बुधवार को आपको लाइव आऊँगी। सॉरी बार बार आपको मैं आपका दिल तोड़ रही हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। और हमारी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो तरुण बसरा 9 के साथ तरुण बसरा 9 है, आप वहाँ भी जाके फॉलो करो। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।